हेलो एवरीवन, यदि आप करते हैं जनरल कंपटीशन की तैयारी जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, तो उस एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और इस क्वेश्चंस को सबसे पहले हम आपको जनरल मेथड से बताएंगे कि जनरल मेथड से ये कैसे बनता है। उसके बाद हम आपको इस पर एक ट्रिक भी बताएंगे जिस ट्रिक के थ्रू आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में यानी 10 से 15 सेकंड में आप इसको कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है, यदि राम 500 रुपये की कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ पर तथा श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे राम जो है कोई सामान है उसका, जिसको 500 रुपये में 500 रुपये की वस्तु को वह 20% लाभ लेकर श्याम से बेच देता है और फिर श्याम क्या करता है, श्याम बेच देता है और उसके बाद फिर श्याम मोहन को बेचता है 10% लाभ पे, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसको हम बताएंगे सबसे पहले साधारण विधि से। आप देखिए कि 500 रुपये का जो वस्तु है वो 20% के लाभ पर बेचता है यानी 120/100। ये 120 कहाँ से आया, तो 100% उसके पास था और 20% फायदा यानी 120। दो जीरो से दो जीरो हमारा कट जाएगा, 5 × 120 यानी 600। राम जो है 500 रुपये की वस्तु श्याम को बेच दिया, तो राम ने श्याम से बेचा, 600 रुपये का बेचा। अब 600 रुपये पे श्याम क्या करता है कि वह मोहन को, श्याम मोहन को बेचता है। उसके पास हम मान लेते हैं 100 रुपये थे, 100% था, तो 100% में 10% वो फायदा कमाता है यानी प्लस 10, 110। जब घाटा कम करेगा यानी हानि करेगा तो उसको माइनस करते हैं और जब फायदा करेगा तो प्लस करते हैं, 110। 600 रुपये के सामान को वह 10% फायदा भी बेचता है यानी 600 × 110/100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा और 110 × 6 यानी इसका जो आंसर होगा 660 रुपया। मोहन का जो क्रय मूल्य है वह 660 रुपया हुआ। ये तो हुआ हमारा जनरल साधारण विधि। इसके बाद आप इसको पहले एक बार नोट कर लें, एक ट्रिक भी आपको बताते हैं। इस क्वेश्चंस को हम देखेंगे अब ट्रिक के थ्रू। तो ट्रिक हमारा ये है कि सबसे पहले जो सामान बेचा वो 500 रुपये का बेचा था, तो 500 × 20% फायदा था यानी 120/100 और फिर जो श्याम है वो मोहन को बेचता है 10% फायदा पे यानी 110/100 और जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये और एक जीरो से ये कैंसिल, 5 × 12 × 11 और जब हम इसको गुना करेंगे तो 12 × 60 × 11 और जब इसको गुना करेंगे तो 660 रुपया। ये बहुत ही आसान तरीका था। इस क्वेश्चंस में आपको और भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, जैसे राम 500 रुपये की जगह पर न करके यहाँ पे कुछ 800 रुपया दे देता और 20% न दे करके यहाँ पे 15% दे देता और फिर यहाँ पे 10 की जगह पे 25, मतलब कोई भी डिजिट आपको जब चेंज करता तो भी इसी ट्रिक पे बनाते। तो ट्रिक हमारा था कि जो भी पैसा है उसको गुना कर लेंगे 800 गुना और फायदा कितना कर रहा है, 15% यानी 100 + 15 = 115/100 × फिर 10% फायदा कर, सॉरी 25% फायदा करता है यानी 120, 100 + 25/100। दो जीरो से दो जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी 8 × 125 × 115/100 और 125 में हम 8 से सबसे पहले गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 16, 4 × 2 = 20 और 8 × 4 = 12, 1200। 8 × 5 = 40, 4 × 2 = 20 का 0 हासिल 2 और 8 × 2 = 10, 1000 होगा। 1000 × 115 / 100, दो जीरो से दो जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा
यानी 1150 रुपया हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से कोई भी डिजिट आपको चेंज करे आप इस ट्रिक पे आसानी से बना सकते हैं। आप इसको खुद से एक बार करने का प्रयास करें और इसको नोट कर लें।